acid-base buffer. This is the first chapter of pharmaceutical inorganic chemistry unit 2, concept of acid and base. ये ऐसे syllabus में लिखा हुआ नहीं मिलेगा b.pharmacy first year के, लेकिन इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम acid base पढ़ते हैं तो हमें various definitions given by various scientists जानना बहुत ज़रूरी है. और साथ ही ये exam में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला question है, 10 marks के question के form में ये आता है most probably. So first, earlier concept of acid and base. Acid, an acid may be defined as any substance which has a sour taste and its aqueous solution turns blue litmus red. एसिड को ऐसे सब्सटेंस के रूप में डिफाइन किया जा सकता है जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो एक्वियस सॉल्यूशन में नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं. बेस, अ बेस में भी डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस विच हैज़ अ बिटर टेस्ट एंड इट्स एक्वियस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. बेस को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, ऐसे सब्सटेंस जिनका स्वाद कड़वा हो और एक्वियस सॉल्यूशन में लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं. सेकेंड है अर्हेनियस कॉन्सेप्ट. द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस बाय अर्हेनियस. एसिड बेस का कॉन्सेप्ट सबसे पहले अर्हेनियस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया दिया गया. उनके अकॉर्डिंग एसिड और बेस की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है. एसिड, एन एसिड मे बी डिफाइंड एज एनी हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस विच गिव्स एच प्लस आयंस इन एक्वियस सॉल्यूशन. एसिड को ऐसे सब्सटेंस के रूप में, ऐसे हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस के रूप में डिफाइन किया जा सकता है जो एक्वियस सॉल्यूशन में एच प्लस आयन देते हों. बेस, अ बेस मे बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन एंड कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वियस सॉल्यूशन. एक बेस को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, ऐसे सब्सटेंस जो जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो या ऐसे कोई अनदर ग्रुप हो जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हो एक्वियस सॉल्यूशन में. द एच सी एल इज एन एसिड वाइल सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस. तो एच सी एल एक एसिड है क्योंकि ये एक्वियस सॉल्यूशन में एच प्लस आयन देता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है क्योंकि ये एक्वियस सॉल्यूशन में ओएच माइनस आयन देता है. यू कैन सी द रिएक्शन गिवन बिलो एंड यू हैव टू राइट दिस रिएक्शन इन योर एग्जाम. According to Arrhenius, the neutralization process can be represented by a reaction involving the combination of H plus and OH minus ions to form water. Arrhenius के according neutralization process एक ऐसा process है जो जिसमें hydrogen ion और hydroxyl ion combine होके H2O बनाते हैं. Limitation of Arrhenius acid base concept. हर concept की कुछ ना कुछ कमियाँ हैं acid base concept में. जितने भी एसिड बेस को डिफाइन करने के लिए, कैटराइज करने के लिए कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं, इसलिए सभी कॉन्सेप्ट को लगभग यूज़ किया जाता है एसिड बेस को कैटेगराइज करने के लिए. तो अर्हेनियस के कॉन्सेप्ट में क्या कमियां थी, लेट अस सी हियर. ऑल्दो द अर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी इज़ नॉट मोस्ट सिंपल एंड मोस्ट सिंपल एंड कन्वीनियंट इन एक्सप्लेनिंग द रिएक्शंस इन एक्वियस सॉल्यूशन, इट इज़ हैविंग नंबर ऑफ लिमिटेशंस. अर्हेनियस का कॉन्सेप्ट एसिड बेस थ्योरी सबसे कन्वीनियंट और सबसे सिंपल तरीका था एसिड बेस को एक्वियस सॉल्यूशन में एक्सप्लेन करने का, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी लिमिटेशंस थी. द लिमिटेशंस ऑफ अर्हेनियस थ्योरी आर द डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस आर ओनली इन टर्म्स ऑफ एक्वियस सॉल्यूशंस एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ सब्सटेंस. एसिड बेस का डेफिनेशन अर्हेनियस के अकॉर्डिंग केवल एक्वियस सॉल्यूशन में दिया गया और सब्सटेंस के फॉर्म में तो इन्होंने समझाया ही नहीं कि एसिड बेस क्या है. The theory is not able to explain acidic and basic properties of substance in non-aqueous solvents. Example, ammonium nitrate. In liquid, ammonia acts as an acid, though it does not give H plus ion. ऐसे substance जो non-aqueous solvents में soluble होते हैं, उनमें acidic basic properties दिखाते हैं. ऐसे substance को Arrhenius का concept नहीं समझा पाया acid and base के रूप में. जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट लिक्विड अमोनिया में एसिडिक नेचर दिखाता है, लेकिन इसमें H प्लस आयन नहीं है. द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस इन एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन. एसिड बेस का सॉल्वेंट के बिना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं दर्शा पाया ये कॉन्सेप्ट. The basic substance which do not contain hydroxide ion could not be explained by the theory. Ammonia which do not have hydroxyl ion show basic characters. ऐसे basic substance जिनमें hydroxyl group नहीं है, उनको ये theory नहीं समझा पाया. जैसे कि ammonia,
अमोनिया में हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो है ही नहीं, लेकिन ये तो बेस है ना। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ सर्टेन साल्ट्स एल्यूमिनियम क्लोराइड लाइक एल्यूमिनियम क्लोराइड इन एक्वियस सॉल्यूशन। ये ऐसे कुछ साल्ट्स का जो कि एसिडिक कैरेक्टर दिखाते हैं एक्वियस सॉल्यूशन में, उनको नहीं समझा पाया, जैसे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, तो ये एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है एक्वियस सॉल्यूशन में, उनको इसको ये अहिनियस को कॉन्सेप्ट नहीं समझा पाया। सेकंड है ब्रॉस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, प्रोटॉन डोनर कॉन्सेप्ट। ब्रॉस्टेड लॉरी इन कॉपेनहेगन एंड लॉरी इन ब्रॉस्टेड इन कॉपेनहेगन एंड लॉरी इन लंदन। ब्रॉस्टेड लॉरी एक नहीं है, अलग अलग साइंटिस्ट हैं। इंडिपेंडेंटली इन 1923 प्रपोज्ड अ जनरल डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस। एसिड मे बी डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस, अ मॉलिक्यूल और अ केटायन और एन एनायन दैट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग अ प्रोटॉन एच प्लस आयन टू एनी अदर सब्सटेंस। तो ब्रॉस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, ऐसे सब्सटेंस जो कैपेबल हो एच प्लस आयन डोनेट करने में दूसरे सब्सटेंस को। बेस में भी डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस, अ मॉलिक्यूलर और केटायन और एनायन दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम एनी अदर सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस बेस होते हैं जो अदर सब्सटेंस से एच प्लस आयन को एक्सेप्ट करे। अब वो अदर सब्सटेंस क्या होगा? ऑब्वियसली वो एसिड ही होगा। इन शॉर्ट एन एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर एंड अ बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो इस तरह से शॉर्ट में कहें तो एसिड प्रोटॉन डोनर होता है और बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं जिन्हें आपको एग्जाम में लिखना है, और वो एसिड के एग्जांपल्स हैं एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ बेस, दिस आर द एग्जांपल ऑफ बेसिस, और इसको आपको लिखना है। अब ब्रॉस्टेड लॉरी के कॉन्सेप्ट में भी एक और चीज़ उभर के आई, वो है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। द एसिड बेस पेयर द मेम्बर ऑफ विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ईच अदर म्यूचुअली बाई द गेन और लॉस ऑफ प्रोटॉन आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। यहाँ पे HCl और H2O का रिएक्शन हो रहा है जिसमें H3O प्लस एंड Cl माइनस बन रहा है। तो HCl क्या है? एसिड है, और H2O क्या है? बेस की तरह एक्ट कर रहा है। कैसे पता चला? क्योंकि HCl ने अपना H प्लस H2O को दिया और वो H3O प्लस बनाया, और फॉरवर्ड रिएक्शन में बता रही हूँ, और यहाँ पे Cl माइनस एज अ बेस अलग हुआ। उसी तरह जब हम बैकवर्ड आते हैं तो H3O जस्ट अपोजिट रिएक्शन हो जाती है। H3O प्लस एसिड की तरह काम करता है और वो अपना एक H प्लस Cl माइनस को देता है। इस तरह से HCl बनता है और H2O बनता है। तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स कहलाते हैं, जिसमें फर्स्ट HCl एसिड 1 की तरह रिएक्ट कर रहा है और H2O एज अ बेस, एंड फिर आगे वाले रिएक्शन में H3O प्लस एसिड सेकेंड एसिड और Cl माइनस फर्स्ट बेस। तो द strong acids have weak conjugated bases and strong bases have weak conjugate acid. जो strong acid होते हैं उनका conjugate base weak होगा, जैसे कि HCl एक strong acid है, इसका conjugate base Cl minus एक weak base है। और weak acid and strong bases, जैसे H2O एक strong base है और इसका conjugate base H3O plus conjugate acid H3O प्लस वीक एसिड है। और एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं कुछ कॉन्जुगेट बेस पेयर्स के। देन लिमिटेशंस ऑफ ब्रॉस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट लेज एक्सेसिव एम्फेसिस ऑन द प्रोटॉन ट्रांसफर। ऑल्दो इट इज ट्रू दैट मोस्ट कॉमन एसिड्स आर प्रोटोनिक इन नेचर, येट देर आर मैनी विच आर नॉट। सेकेंड इज अ लार्ज नंबर ऑफ एसिड बेस रिएक्शंस आर नोन इन विच नो प्रोटॉन ट्रांसफर टेक प्लेस, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें तो कोई प्रोटॉन ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है उस तरह के एसिड बेस को नहीं समझा पाया, मतलब कि इसमें ब्रॉस्टेड लॉरी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग प्रोटॉन का ट्रांसफ़र तो होना चाहिए, या तो वो एक्सेप्ट करे या तो डोनेट करे। प्रोटॉन का ट्रांसफ़र
बहुत ज़रूरी है। तो फोर्थ है लेविस कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन डोनर कॉन्सेप्ट सिस्टम। This theory explains the acid-base phenomena in terms of the acid and base along with the formation of a coordinate bond. यह theory acid-base phenomena को acid-base के बीच coordinate bond formation के रूप में दर्शाता है. Acid, according to Lewis, an acid may be defined as any species, molecule, radical or ion that can accept an electron pair to form a coordinate bond. लेविस के अकॉर्डिंग एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे स्पीशीज होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। बेस, अ बेस मे बी डिफाइंड एज एनी स्पीशीज दैट कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन जो पेयर्स होते हैं उनको डोनेट करते हैं। Thus, in Lewis system, an acid is an electron pair acceptor and a base is an electron pair donor. जैसे कि यहाँ पे BF3 और NH3 बेरियम फ्लोराइड और अमोनिया की रिएक्शन होती है, तो अमोनिया के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब वो उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को BF3 को देता है, BF3 के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, तो इस तरह से वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। और यहाँ पे अमोनिया लेविस बेस की तरह यूज होता है, एक्ट करता है, और BF3 लेविस एसिड की तरह। हियर BF3 एक्सेप्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इज देयरफॉर अ लेविस एसिड, व्हाइल अमोनिया डोनेट्स वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इज देयरफॉर अ लेविस बेस। और लेविस एसिड एंड बेसिस के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं जिनको आपको एग्जाम में लिखना है, याद करना है। ब्रोस्टेड एसिड, Iodide, the proton is also a Lewis acid, but all Lewis acids are not Bronsted base. Similar is the case of Bronsted bases and Lewis bases. Bronsted bases में the proton जो है, proton यहाँ पे आप देख सकते हैं H+ Lewis acid के form में दिया गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितने भी Lewis acid हैं वो Bronsted acid हों, ठीक है। कई जैसे कि पोटेशियम प्लस, ये तो ब्रॉन्स्टेड एसिड नहीं है लेकिन लेविस एसिड है, तो इसी तरह बेस के केस में भी है। देन लिमिटेशंस ऑफ लेविस कॉन्सेप्ट, सिंस द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इज फाउंड टू डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अरेंज देम इन एनी ऑर्डर ऑफ दियर रिलेटिव स्ट्रेंथ। चूँकि इसमें हाइड्रोजन आयन नहीं है या हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है, तो हमें हम जब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर लिखेंगे तो प्रॉब्लम होगी, परेशानी होगी, हम नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि जो लेविस एसिड बेसिस हैं उनमें हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल नहीं है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में एक हाइड्रोक्सिल आयन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में दो हाइड्रोक्सिल आयन है, तो कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से हम इसका बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बना लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम आयंस, तो ऐसे का बनाना पॉसिबल नहीं है। एज लेविस एसिड बेस रिएक्शंस इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन्स, दे आर एक्सपेक्टेड टू बी वेरी फास्ट रिएक्शंस, हाउएवर देयर आर मेनी लेविस एसिड बेस रिएक्शंस व्हिच आर स्लो। चूँकि इस लेविस एसिड बेसिस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कि रिएक्शन बहुत फास्ट होनी चाहिए, लेकिन रिएक्शन फास्ट नहीं होती एक्चुअली। कुछ रिएक्शंस लेविस एसिड बेस की बहुत ही स्लो होती है। So this is the end of the video, and here is a quote: the key to success is to focus our conscious mind on things we desire, not the things we fear. तो आप उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो आप चाहते हैं, जैसे अपना गोल अचीव करना, एग्ज़ाम के लिए पढ़ना, अपना टास्क कंप्लीट करना, अपने गोल्स की ओर बढ़ना, not the things you fear. उस चीज़ पर मत फोकस कीजिए जिससे आप डरते हैं, डर के आगे जीत होती है। So आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। And thanks for watching till the end. Please subscribe to my channel to get the latest updates of my videos. And in my upcoming video, I will discuss about the next topic of acid-base buffer chapter.